भाई मुझे यहाँ मिल गया काम चंडीगढ़ में। और यहाँ पानी बह रहा होता कितना मजा आता। बच्चों आपको मजा आ रहा है क्या? हाँ। और बच्चों आपको भी मजा आ रहा है क्या? हाँ। ये तो बच्चे तो भाई बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई, बच्चे मजा आ गया भाई, बच्चे एंजॉय कर रहे तो भाई हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे पियेंगे चाय, चाय पी के देखते हैं जलंधर की पहली बार जलंधर की चाय पियेंगे भाई, चाय बढ़िया भाई। तो भाई आप निकलने का प्लान है चंडीगढ़, और उसके बाद करते हैं चाय को खत्म एक सिप के साथ, और उसके बाद निकलेंगे हम चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ करेंगे एक्सप्लोर, पर लेकिन रास्ते में कुछ खाएंगे पियेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, जो भी मस्ती करेंगे आप मेरे साथ बने रहो सब दिखाएंगे भाई। और अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तो आ जाओ मेरे साथ मजे मारेंगे भाई। तो भाई जलंधर से निकल चुके हैं और आप देख सकते हो जलंधर में कितना ट्रैफिक हो चुका है। तो गाइस थोड़ा सा स्टॉप लिया था हमने और अभी उठ गए हैं साई वैष्णो नाला पे, और चंडीगढ़ यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पे, तो आधे पौने घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे गाइस। और ये आप देख सकते हो हाईवे, कितना बढ़िया हाईवे। तो चलते हैं ढाबे की साइड में और देखते हैं क्या खाने वाले। मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पी थी, आप कुछ खाओगे क्या? पनीर खाओगे? और आप क्या खाओगे बाबू? पनीर आप भी खाओगे? चलो भाई बच्चों की डिमांड आ चुकी है पनीर खाने। A few moments later और पराठे आ चुके हैं गाइस, देख सकते हो आ चुके पकोड़े, और अब पकोड़े खाएंगे गर्मा गर्म पकोड़े भाई हाईवे के किनारे। तो भाई दूर गाड़ियां चल रही हैं और हम किनारे आके पकोड़े खा रहे हैं भाई। अब तो आर आस पास आ रही बारात करना इंकार बात। और मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, थोड़ा ठंडा है, हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, काफी खुला खुला सा है आप देख सकते हो भाई। सुनना भाई, और ये अपना ढाबा हो गया जहाँ पर हमने स्टे किया अभी, और ये अपनी गाड़ी। चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे, तो चलते हैं आगे तेरे ना सजाए हम तेरी बरात है ना सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना। चंडीगढ़ आ चुके हैं और अभी हम हैं रॉक गार्डन में, और रॉक गार्डन पड़ता है चंडीगढ़ में, और आप देख सकते हो भाई, और गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी सेफली, अभी कोई चार्ज नहीं दिया पार्किंग के, शायद फ्री हो पार्किंग, और जाते टाइम पता चलेगा कि पार्किंग फ्री थी कि नहीं फ्री थी। और बाकी ये मार्केट है, और बच्चे तो भाई साहब जी जब से घूम रहे हैं ना तब से यही खा रहे हैं वो, पर हमारे अनिस भाई साहब यही पकड़ा देते हैं इनको कि अपने खा जाओ लग जाओ। ₹1000 पर डे बता रहे हैं आपको, कितने बता रहे हैं? देख सकते हो इस पत्थर पे क्या मस्त जैम बना हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है रॉक गार्डन ए फैंटेसी क्रिएटेड बाय नेक्चर। चंडीगढ़ July 7, 1988 को इसकी शुरुआत हुई होगी भाई, और ये आता है गवर्नर पंजाब एनिवर्सल चंडीगढ़ भाई। देख सकते हैं
हेड की 30 रुपये और चिल्ड्रन की 3 से 10 साल के बच्चों की 10 रुपये टिकट है भाई। और एक 1000 रुपये बच रहे खुले पैसे दे, खैर ये तो हर जगह होता है यार। तो टिकट तो बहुत सही है, ज़्यादा कोई खास चार्ज नहीं है। और अभी अनीस भाई टिकट ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे एंट्री की तरफ। तो भाई फैमिली के साथ आओ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, फैमिली शॉपिंग करने में तुरंत लग जाती है भाई। और अब आने को करनी है एंट्री, लेकिन एंट्री से पहले हम यहाँ रुक गए भाई। फैमिली के साथ नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत परेशान करते हैं, टाइम और बचेगा भाई, देख रहे भाई। और अभी हमारे को नेक्स्ट लोकेशन पर जाना है, नेक्स्ट लोकेशन बताऊंगा नहीं कहाँ जा रहे हैं अभी, तो पहले इसको देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे तब जब यहाँ से हम फ्री जाएंगे। हमारी टिकट यहाँ पर दे दी गई है, चेक हो रही टिकट, तो टिकट चेक हो गई है, अब हमारी एंट्री हो रही है। भाई यहाँ लिखा हुआ है अपना सिर बचाए। और अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने मास्क लगा रखा है, तो भाई पूरे पंजाब में कहीं मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोई भी मास्क लगाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है मास्क लगाना, तो इसलिए हम सबने मास्क लगा रखे भाई। तो गाइस मजेदार है गाइस, मजा भाई। मैंने आज तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं था, चंडीगढ़ में ही ऐसा कुछ फेमस है, तो मैंने सोचा कि ट्राई करना चाहिए, तो आज हम आए इसको ट्राई करने। और अगर यहाँ पानी बह रहा होता कितना मजा आता। राम राम से रहना सजाए हम तेरी बरात है ना, राम राम से रहना भाई। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तू आई। और यहाँ होगा अभी हमारा फोटो सेशन, हम फोटो खींचेंगे यहाँ पे और फोटोज आपको मिलेगी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम को फॉलो करना भाई। फोटोज खिंचवा लिए मैंने और इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी आईडी, मैंने दे दी नीचे, देख सकते हो आप। चलते हैं भाई आगे की तरफ। और ये भी कोई रास्ता जा रहा है पहाड़ों की साइड में, ऐसा लग रहा है भाई पहाड़ों पर आ गया हूँ मैं, लेकिन डिजाइनर पहाड़ है यहाँ पे। ओए होए भाई साहब जी क्या मस्त है, वे पे जा रहे हैं हम लोग। ओए होए बिल्कुल भाई साहब जी मजा आ गया। और हमारा बाबू देखो कहाँ से आ रहा है, देखो बिल्कुल आराम से भाई आराम से। और ये है मेरे पीछे का नज़ारा, ये वाला नहीं, आप ये देखो भाई, आराम से आ जाओ, चलते हो चलते चलते हो। देख सकते हो गाइस, अंदाजा लगा सकते हो कितना पतला रास्ता है, और इस पतले रास्ते से हम निकल के आए किसी तरीके से। तेरे बिना कायम से नाराज रहना सजा। देख सकते हो भाई नीचे का नजारा कितना शानदार है भाई, और थोड़ा पानी भी आ रहा है यहाँ पे कहीं से, आप सामने से देखते हो पानी आ रहा है, तो पानी थोड़ा गंदा हो चुका है, लेकिन पानी कभी साफ भी हुआ करता था भाई। ओए और आप देखो भाई यहाँ का व्यू कितना अमेजिंग है भाई, और मस्त से नजारे में मैं खड़ा हूँ भाई। देखो अवेल इंडियन क्या मस्त व्यू यार। और अब इसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम आगे तरफ जाएंगे भाई। और अब जाएंगे आगे तरफ, ये हमारा रास्ता है, और फैमिली वाले सब लोग आगे चले गए, मैं पीछे रह गया। अब चलते हैं मस्त, चलते हैं मस्त से सड़क के ऊपर। तो अगर कोई यहाँ पर नहीं आया ना रोज गार्डन में, तो आप आ जाओ, और बहुत मस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। कितना अमेजिंग काम किया हुआ है ना यहाँ पे, देख सकते हो भाई, और कितने कितने दूर से लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं भाई, आप खुद देख सकते हो, आपको खुद बिलीव हो जाएगा भाई यहाँ पे आके ना। तो यहाँ पर काफी खुला खुला सा है, देख सकते हो।
सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना आशिक रहना। चलते हैं आगे की तरफ। GoPro की बैटरी थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ा सा बचा बचा के चल रहा हूँ। जो अच्छे नज़ारे आ रहे हैं उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहा हूँ GoPro से। और ये हमारे कुछ भाई मिल चुके हैं। और तो भाई कहाँ से हैं आप लोग? भाई मैं राजस्थान से। अच्छा, और भाई आप? हरियाणा से। और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हो। अच्छा, तो भाई काफ़ी दूर दूर से आए लोग, और आप देख सकते हो भाई कि कितनी एक्साइटमेंट है यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है भाई आपको यहाँ पे? तो आप नहीं, तो यहाँ पर मतलब कुछ अलग है यहाँ पे ना? हाँ, ऐसा आज तक कभी शायद मैंने तो देखा नहीं। मैंने तो देखा नहीं भाई, अमेजिंग है भाई। हाँ भाई, बहुत अच्छा आनंद आया भाई। तो भाई चलते आगे की तरफ, भाइयों से मिलके बहुत मजा आया। लाइक और शेयर कर दो। तो भाई अब तो करना बनता है, देख लो भाई राजस्थान से भी अपील आ गई, हरियाणा से भी अपील आ गई, और दिल्ली से भी अपील आ गई भाई। तो अब तो बनता है भाई लाइक। तो दिल्ली वालों को सपोर्ट करो और मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाओ भाई। तो दोस्तों देखो कैसे मजे मार रहा हूँ मैं। कंप्लीट करके अब मैं आ चुका हूँ लेक घूमने, और लेक पे करेंगे बोटिंग। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, और यहाँ पर पार्किंग के जो चार्जेस है 30 रुपए थी, और जो रॉक गार्डन में हमने पार्किंग लगाई थी वो फ्री थी भाई। तो अपडेट दे दिया है, तो आप बेफिक्र होके यहाँ पर आ सकते हो भाई। और अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कैश पेमेंट अवेलेबल है भाई, और बाकी जो शॉप्स है यहाँ पे बहुत खर्चा हो गया गाइस इस ट्रिप पे, बहुत खर्चा। बच्चों ने तंग कर रखा है, गदर मचा रखा है बच्चों ने। एक अजनबी लोकेशन पे, और यहाँ से दिल्ली कुछ